एक गाइस, आज हम कंपैरिजन करने वाले मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाली पेंसिलों का, जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट पेंसिल कौन सी है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ अप्सरा पेंसिल, जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाली पेंसिल है, अप्सरा प्लेटिनम। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो आप देख सकते हो, ये 60 रुपीज की इसकी MRP है। अब इसको मैं अनबॉक्स करके देख लेता हूँ। सबसे पहले इसमें एक देखने को मिल जाता है नॉन डस्ट इरेजर, जो कि काफी मस्त इरेजर होता है। ये इसमें जो ग्रिप दी हुई, इससे के पकड़ने में काफी अच्छा होता है और ये बेस्ट इरेजर है। इसको हम रखते हैं साइड में। इसके बाद इसमें एक देखने को मिल जाता है अप्सरा का लॉन्ग पॉइंट शार्पनर, जो कि काफी पॉपुलर शार्पनर है। अप्सरा का लॉन्ग पॉइंट शार्प करता है, काफी अच्छा शार्पनर है। इसके बाद हमारे को इसमें देखने को मिल जाती है, ये है अप्सरा की प्लेटिनम पेंसिल। काफ़ी बढ़िया पेंसिल है ये एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है। और इसके बॉक्स में जो पेंसिल टोटल देखने को मिलती है हमारे को, वो है 10 पेंसिल। इसमें आप देख सकते हो टोटल 10 पीस पेंसिल है। इसके बाद हम देख लेते हैं डॉम्स, ये है डॉम्स का नियोन पेंसिल। इसकी जो MRP रहने वाली है वो है 60 रुपीज। ये भी काफ़ी पॉपुलर पेंसिल है डॉम्स की नियोन। इसको हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है। डॉम्स में सबसे पहले हमारे को मिल जाता है एक मीडियम साइज का शार्पनर। इसके बाद हमारे को देखने को मिल जाती है ये वाव डॉम्स नियोन पेंसिल। ये काफी अच्छी पेंसिल है, मार्केट में काफी धमाका मचा रखी है पेंसिल ने भी। ये पेंसिल है ये HB2 पेंसिल है, यानी ये एक्स्ट्रा डार्क होता है ये भी। इसमें जो कलर है ये काफी बढ़िया कलर है। इसमें 10 पीस पेंसिल देखने को मिल जाती है और ये कुछ कलर भी देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हो ये सब नियोन कलर की पेंसिल है, जो काफी बढ़िया लग रही है देखने में। इसके बाद इसको हम रखते हैं साइड में। इसके बाद हम देख लेते हैं ये है कैमलिन की सुप्रीम पेंसिल। ये भी काफी अच्छी पेंसिल है, इसको मैं अनबॉक्स करके देख लेता हूँ। सबसे पहले इसकी MRP देख लेते हैं। MRP आप देख सकते हो, इसकी जो MRP है वो है 60 रुपीज। ये भी कैमलिन की काफी अच्छी पेंसिल है, जो मार्केट में काफी टाइम से चल रही है। इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है एक शार्पनर, जो कि मीडियम साइज का शार्पनर है। इसके बाद इसमें पेंसिल मिल जाती है और इरेजर, ये एक इरेजर है, जो ये भी एक मीडियम साइज का इरेजर है, ये भी अच्छा इरेजर। इसके बाद पेंसिल की आप डिजाइन देख सकते हो, ये है पेंसिल कैमलिन की सुप्रीम पेंसिल। ये भी बढ़िया पेंसिल आती है, इसमें भी 10 पीस आती है और ये शार्प करी हुई पेंसिल आती है। इसमें भी आप देख सकते हो ये 10 पेंसिल का सेट है। अब इसको रख करते हैं पैक। इसके बाद ये है ऑल इज गोल्ड, ये है नटराज की पेंसिल, जो काफी टाइम से यही पैटर्न को प्रोवाइड करते आ रहा है मार्केट में। सबसे ज्यादा पहले कोई चल चुका है पेंसिल तो वो है नटराज, और वैसे तो आज की डेट में सबसे ज्यादा चलती है अप्सरा प्लेटिनम, लेकिन ये काफी पॉपुलर रह चुकी है नटराज भी। इसकी जो MRP रहने वाली वो आप देख सकते हो, इसकी जो MRP है वो है 50 रुपीज। अब इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ, यहाँ से करना पड़ेगा। इसमें एक मिल जाता है हमारे को मीडियम साइज का इरेजर। इसके बाद ये है मीडियम साइज का शार्पनर, पेंसिल इधर से बाहर गिर गई। इसमें ये है पेंसिल, ये है नटराज की पेंसिल, जो काफी पुरानी पैटर्न है। आप सबको पता ही है नटराज का कलर ही देख के जूनी यादें ताजी हो जाती है। और ये है नटराज की पेंसिल, 10 पेंसिल आया हुआ है नटराज में भी, एक शार्पनर एक इरेजर। इसके बाद है डॉम्स, डॉम्स के तरफ से एक और पेंसिल देखने को मिल जाती है डॉम्स जूम। डॉम्स में सबसे ज्यादा चलने वाली पेंसिल है ये डॉम्स जूम। इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये रहा इसका शार्पनर, इसमें सबसे पहले मिल जाता है एक शार्पनर, जो कि एक मीडियम साइज का शार्पनर है। इसके बाद है ये इरेजर, जो कि ट्राइंगल इरेजर है, काफी बढ़िया इरेजर होता है ये भी। अब इसकी पेंसिल देख लेते हैं। पेंसिल आप देख सकते हो, इसमें भी 10 पीस पेंसिल है
और तीन कलर में ये प्रोवाइड करता है, इसको हम रखते हैं साइड में। इसके बाद है कैमलिन के तरफ से सुप्रीम HD, इसको मैं अनबॉक्स करने से पहले इसकी MRP देख लेता हूँ। इसकी जो MRP रहने वाली है वो है 70 रुपीस। ये इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, ये 70 रुपीस की पेंसिल है। इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। इसमें भी देखने को मिल जाता है एक सुप्रीम HD इरेजर है, ये भी अच्छा इरेजर है। और ये एक इसमें शार्पनर, थोड़ा न्यू पैटर्न में बनाया हुआ शार्पनर है। इसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर भी पेंसिल है। ये कैमलिन की पेंसिल है, जो काफ़ी अच्छी पेंसिल है, मुझे देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है पेंसिल। सही से आप नहीं देख पा रहे हो कि तो एक बार दिखा देता आपको, और ये थोड़ा ब्लर हो रहा है मेरा कैमरा, पता नहीं क्यों। चलिए ये सबको साथ में रख के दिखा देता मैं आपको। अब देख सकते हो ये पेंसिल अब थोड़ी क्लियरली दिख रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है पेंसिल का कलर, काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। इसमें भी 10 पीस पेंसिल है। इसके बाद है डॉम्स के तरफ से एक और पेंसिल, जो कि है डॉम्स कार्बन। ये न्यू पेंसिल आया हुआ है मार्केट में, और ये भी HB2 पेंसिल है, यानी काफ़ी बढ़िया पेंसिल है। HB2 डार्क पेंसिल होती है। इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। ओहो हो वाह, जितनी भी पेंसिल हमने खोले उन सब से कुछ नया देखने को मिला है, तो वो इसमें मिला है। ये है डॉम्स का इरेजर और विथ शार्पनर। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का इसका लुक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका शार्पनर दिया हुआ है, यहाँ से आप अपनी पेंसिल को शार्प कर सकते हो। और यहाँ से ये कैप को खोलेंगे आप तो ये है ब्लैक कलर का इरेजर, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इन सब पेंसिल में सबसे अलग लुक इसी का दिया हुआ है। इसको हम करते हैं पैक। इसके बाद ये पेंसिल को देख लेते हैं। ओहो वाह, काफ़ी बढ़िया लग रही है पेंसिल, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी। पर्सनली बताऊँ तो आपको, ये पेंसिल का लुक मुझे काफ़ी पसंद आया, जो बहुत ज़ोरदार लग रही है मुझे। मेड इन इंडिया ब्लैक एंड वाइट कलर में जो कलर दिया है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें भी 10 पेंसिल आती है, प्लस इसके अंदर इरेजर भी लगा हुआ है, और ये अलग से इरेजर भी दिया हुआ है। इसमें भी 10 पेंसिल, और इसकी जो MRP रहने वाली है वो मैं आपको बताना भूल गया। इसकी जो MRP है ये भी 70 रुपीज़ में। अब हमने देखा कि 70 रुपीज़ वाली हमारे पास दो पेंसिलें, एक है डॉम्स कार्बन और दूसरी है सुप्रीम HD कैमलिन की तरफ से। बाकी जितनी भी हमने पेंसिलें देखी है सब 60 रुपीज़ MRP वाली है, जिससे कि आप देख सकते हो डॉम्स, जूम, कैमलिन के तरफ से सुप्रीम, डॉम्स के तरफ से नियॉन, इसके बाद है अप्सरा के तरफ से प्लेटिनम। इन चारों पेंसिल की जो MRP है वो 60 रुपीज़ है, और सब में सेम है, एक इरेजर एक शार्पनर, सिवाय नटराज के। नटराज में 50 रुपीज़ MRP है। तो हमने देखा मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली पेंसिल का कंपैरिजन वीडियो। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी पेंसिल लेना चाहिए, आपकी प्राइस के हिसाब से कौन सी पेंसिल आपको बेस्ट लगी। मैं अपनी पर्सनली अगर आपको चॉइस बताऊँ मेरी, तो मेरे हिसाब से है डॉम्स नियॉन। ये काफ़ी बढ़िया पेंसिल है, काफ़ी डार्क पेंसिल है, और ये कलरफुल होने की वजह से और भी खूबसूरत लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।